और अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। चंडीगढ़ से आपको बता दें बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ा झटका दिया है। हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा झटका परिवहन विभाग के कच्चे कर्मचारियों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कर्मचारियों को रखा गया था, उस पर रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को एक बड़ा झटका दिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, इतना बड़ा झटका, अभी चुनाव खत्म ही हुए थे, चुनाव का रिजल्ट आया ही था, और इतना बड़ा ऐलान जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको लेकर कर दिया है परिवहन विभाग के, अब आगे इस पर क्या होगा आगे? देखिए, ये जो आदेश जारी किए हैं आपने देखा होगा, इसमें नंदनी इसमें साफ तौर पर जो जो जनरल मैनेजर्स हैं उन्हें कहा गया कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पर यानी कि अनुबंधित आधार पर या फिर आउटसोर्सिंग के जरिए जो चालक परिचालक या ग्रुप बी के जो कर्मचारी लिए गए थे वो उन्हें जो है रिलीव कर दिया जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी ही जो नियमित कर्मचारी हैं, क्योंकि इनकी जब भी भर्ती की जाती है कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की तो उसका एक यही आधार होता है, क्योंकि अस्थायी तौर पर इन्हें रखा जाता है और नियमित भर्ती होने के बाद जो है इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, तो उसी प्रक्रिया में हिस्सा है। और इन आदेशों में यह भी कहा गया है कि जिन्होंने अपने लीव होने के अगेंस्ट कोई कोर्ट का स्टे ले रखा है तो उस स्टे को वैकेट करवाने के प्रयास भी किए जाएं। ये कल के आदेश हैं, आपने देखा होगा कि 23 तारीख को ये ACS ट्रांसपोर्ट जो है उनके कार्यालय से ये आदेश जारी किए गए हैं, और फिलहाल ये आदेश जो है परिवहन विभाग के लिए हैं अभी। जी, यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है? यानी आउटसोर्सिंग कर्मचारी वो हुए, कच्चे कर्मचारी वो हुए जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आए थे, या इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से ये भी मतलब निकाला जाए कि ये किसी और स्टेट के या किसी और तरीके से लाए गए कर्मचारी थे? इसको थोड़ा इलैबोरेट करें। नहीं, आउटसोर्स का ये मतलब है कि जैसे अनुबंधित आधार पर आगे आउटसोर्सिंग जो है पहले एडॉप लेवल पर नंदनी सरकार खुद जो है रिक्रूट करती थी इनको, लेकिन अब जो है एजेंसी के माध्यम से यानी कि ये सेवाएं जो है आउटसोर्स कर दी जाती हैं। जी जी किसी एजेंसी को ये जिम्मेवारी है जो इम्पैनल्ड एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की जो रजिस्टर्ड एजेंसीज हैं जी, उनके जरिए लिया जाता है, और इसमें एक शर्त यही होती है कि जितने दिन का काम रहेगा उतने दिन के लिए इनकी भर्ती होगी, लेकिन कई दफा है लॉन्गर स्टे है, तो ये आदेश का मतलब ये है जी। क्योंकि पहले भी राकेश, इससे आप पहले हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार जी जुड़े हैं। पवार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बहुत बहुत बड़ा झटका सर यहाँ कच्चे कर्मचारियों को लग रहा है परिवहन विभाग की ओर से, क्या कहेंगे? इसमें पार्टिकुलर कर्मचारी की बजाय ड्राइवरों का है। 2016 में हमने तकरीबन 412 के करीब जी ड्राइवर लगाए थे एक साल के लिए, जी और उस जगह जो उनका सिलेक्शन लेटर दिया गया उसके अंदर मेंशन किया था जी कि एक साल के बाद आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसके बाद हमारे रेगुलर ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती प्रोसेस लंबा हो गया, हमने फिर कर दिया, जी जी तो इसलिए हमारे पास अब ड्राइवर कंडक्टर पूर्ण मात्रा में आ चुके हैं, तो इसलिए उस आधार पर इनको हटाने के लिए मेरे अधिकारियों ने कार्रवाई की। जी पवार साहब, आपको लगता है कि अभी आउटसोर्सिंग से आए जो कर्मचारी हैं, चूंकि सरकार भले ही सरकारी नौकरी ना हो लेकिन सरकार के अंडर में काम करने के बाद जब इस तरह का फैसला कभी आता है तो कहीं ना कहीं इतिहास गवाह है इस बात का कि उस फैसले को इतनी आसानी से कर्मचारी स्वीकार नहीं कर पाते, तो आपको विश्वास है कि शांति से आउटसोर्स किए हुए कर्मचारी इस फैसले को परिवहन विभाग के स्वीकार करेंगे? इसलिए मैं एक रिकॉर्ड की चीज आपसे बता रहा हूँ, जब एक साल के लिए लगाए थे अपॉइंटमेंट जो उनको दी थी उसमें एक साल मेंशन किया था, फिर हमारे पास ड्राइवर भर्ती नहीं हो पाए तो फिर एक्सटेंशन भी दी थी, जी। तो 2016 से 2019 आ चुका, अभी चले रहे थे, तो हमारे पास एक पर पूरी मात्रा में ड्राइवर है। जी 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 लेकिन सर अगर अगर ये सब विरोध करते हैं और आपसे विकल्प की मांग करते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? तो इसके लिए जब मैं कह रही हूँ रेगुलर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड से हमारे
आ चुके हैं, तो जब बसें जितनी बसें होंगी उतने हम ड्राइवर रखेंगे ना बाकी अधिकारियों से। सोमवार को इस विषय पूरी बात करूंगा क्योंकि अब चुनाव से कल फारिग हुए हैं मतगणना से, तो सोमवार को जाकर मैं चंडीगढ़ जाऊंगा तो अधिकारियों से। जी सर बिल्कुल, आपसे यही उम्मीद करेंगे क्योंकि सर नौकरी चाहे छोटी हो बड़ी हो लेकिन एक नौकरी से बहुत सारे परिवार चलते हैं, और ऐसे में अगर किसी तरह की कोई परेशानी इन कर्मचारियों को आती है तो सर इनको आश्वस्त करते हैं आपकी सरकार इनके साथ है। मैं सोमवार को जाके बात करूंगा, सोमवार को जाके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णलाल पवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिवहन मंत्री जिनके आगे हमने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज जरूर उठाने की कोशिश की क्योंकि एकदम से अगर इतना बड़ा झटका इनको लगेगा तो जाहिर तौर पर बहुत सारे परिवारों के लिए परेशानी संकट का समय हो सकता है। तो ऐसे में पूरी सूझबूझ के साथ उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है फैसला करे और अगर कोशिश हो पाए तो इन सब कर्मचारियों को विकल्प देने की कोशिश भी की जानी चाहिए, और इस पर परिवहन मंत्री ने भी सहमति जताई है और कहा है कि चंडीगढ़ में वो जाकर बातचीत करेंगे और सोमवार को मीटिंग की जाएगी इस पर। और परिवहन मंत्री ने इस मुद्दे पर हरियाणा न्यूज को बताया है कि जो आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर फरमान निकला है 2016 में, हालांकि वो कह रहे हैं इनको रखा गया था और पूरे इस बेसिस पर कि एक साल तक ही इनका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन चूंकि अब वो बता रहे थे कि 2019 हो चली है और ऐसे में ये बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन हरियाणा न्यूज ने अपने माध्यम से एक बड़ी बात उनके लिए रखी कि उनको भी अगर कोई विकल्प मिल सकता है तो मिलना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि सोमवार को वो जाएंगे और इस पर मीटिंग करेंगे। आगे अब देखते हैं इस पर परिवहन मंत्री का क्या फैसला, क्या तर्क होता है।